अस्सलाम गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी, जो कि मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। तेल को गर्म करने के बाद तेल में मैंने बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लकड़ी डाल के तेल में, फिर मैंने प्याज को उसमें डाल दिया है। अब प्याज को हमें ब्राउन करना है। जब प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, इसमें यहाँ प्याज ब्राउन हो गई, इसे मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ब्राउन हो गई है। फिर उसके बाद इसमें मैं गोश्त को ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद फिर मैं इसको खूब अच्छे से चलाऊंगी, देख सकते हैं आप लोग। और आप भी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के बिरयानी होने वाली है तैयार, और देख सकते हैं आप लोग। ये बिरयानी मसाला, ज़ीरा, धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और मिर्चा सब मैंने ले लिया है, और ये लहसुन अदरक। अब मैं अच्छे से इसको पीस लूँ। और यहाँ पर मैं एक तरफ कर रही हूँ प्याज को ब्राउन, और ये ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे हमारी प्याज भी जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको लूँगी निकाल, और ये बिरयानी डालने के लिए तैयार। हाँ, और यहाँ पे मैंने गोश्त में मसाले को डाल दिया है, और मसाला डालने के बाद इसमें अच्छे से चलाएँगे। और फिर ये देख सकते हैं गोश्त भी अच्छे से यहाँ पर हो गया है तैयार। मैंने कवर कर दिया था इसको ढक्कन से, और देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल तेल को छोड़ दिया है, बिल्कुल खूब अच्छा ये बन के हो गया। अब मैं कुकर में इसको डाल के सीटी लगा दूँ। यहाँ पे मैंने चावल को आधे घंटे तक भिगो के रख दिया था। मैंने चावल को अच्छे से तीन पानी से वॉश करके फिर उसे आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। अब ये चावल फूल गया। यहाँ पर मैं चावल को भगाने के लिए मैंने पानी रख दिया। इसमें मैं लिए तेज़पत्ता, लकड़ी, छोटी इलायची, लौंग और सिया ज़ीरा से मैंने इसको फॉर्चून से भगा दिया था। पानी डाले, इसको हम कवर कर देंगे पानी पक। यहाँ पे देख सकते हैं पानी पक रहा है। अब इसमें हम पानी में नमक को ऐड करेंगे। गोश्त में भी मैंने नमक डाला था, उसी हिसाब से चावल में भी नमक पड़ेगा। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। चावल यहाँ पे पानी जो है खूब अच्छे से पका, इसमें हम चावल पानी अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे मैं चावल को ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली। अब मैं पानी बिल्कुल हो चुका है, मैंने इसमें चावल को ऐड कर दिए। ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल बन के तैयार हुआ। इसमें थोड़ा पानी है, और देख सकते हैं आप कितना अच्छा चावल लग रहा है देखने में। इसमें हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सीटी लगा दिया था गोश्त को गलने के लिए, और देखिए कितना यमी यमी टेस्टी गोश्त बन के हुआ है तैयार। आप भी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बिरयानी बन के तैयार हो। चावल यहाँ बनके हो गया है पक के तैयार, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना खिला खिला चावल बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चावल को निकाल लिया किसी बर्तन में, अब इसको हम मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस, बिरयानी मसाला और धनिया पुदीने कटी हुई बारीक, और यहाँ पे मैंने जो प्याज ब्राउन,